नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट की नेक्स्ट डेट बताने के लिए। दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको पिछले हफ्ते ओरली एक डेट बताया था कि 20 तारीख के आसपास बॉम्बे हाई कोर्ट के डेट मिलने की पूरी संभावना है, तो दोस्तों आज ये डेट पूरी तरीके से कन्फर्म हो चुकी है, जो कि बोर्ड पर आ चुकी है। और 19 अगस्त की डेट मिल गई है SFIO के मामले की, जो केस नंबर 2455 है। और दोस्तों, 19 अगस्त के दिन एक सबसे खास बात है, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उस दिन सप्लीमेंट्री बोर्ड नहीं बैठने वाला है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले जितने भी केसेस कट के डेट होते थे, उसमें दोपहर से लेकर दोपहर के बाद तक सप्लीमेंट्री बोर्ड बैठी रहती थी और तमाम पुराने मामलात पर जिक्र होता रहता था। इस वजह से हीरा गोल्ड कंपनी का मामला 5 बजे तक भी पटल पर नहीं आ पाता था। लेकिन इस बार जो खबर मिल रही है कि सप्लीमेंट्री बोर्ड नहीं बैठने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो हीरा गोल्ड कंपनी का केस और पहले नंबर पर मिनिमाइज नंबर पर आएगा, यानी अगर कम नंबर्स पे आता है तो केस की सुनवाई होने की पूरी संभावना बनती है। तो दोस्तों देखिए, 19 अगस्त के दिन क्या होता है, और ऊपर वाले से दुआ करिए कि 19 अगस्त को हीरा गोल्ड कंपनी का जो केस है वो जल्दी से जल्दी पटल पर आए, इसके ऊपर एक अच्छा डिस्कशन हो और अच्छा आर्गुमेंट हो और एक अच्छा फैसला आए, ताकि तमाम इन्वेस्टरों के चेहरे पर मुस्कान लौटे। ऐसी शुभकामनाएँ हैं, ऐसी इच्छा है। तो दोस्तों, आप सभी लोग ऊपर वाले से दुआ करिए कि 19 अगस्त को एक बहुत अच्छी संभावना बने और उसकी सुनवाई हो, लोगों को मायूस ना होना पड़े। क्योंकि बार बार जब लोगों को कोर्ट से बाहरन लौटना पड़ता है और सुनवाई नहीं होती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो 19 अगस्त का हमें करना होगा इंतज़ार, और उसके पहले ही मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि जो केस नंबर है वो कितने नंबर पर सुनवाई होगी। तो नेक्स्ट अपडेट का साथियों आप लोग इंतज़ार करिए, और तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। खुदा हाफिज़। जय हिंद।